हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ ट्रिकोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे। वेरी हम लोग स्टैंडर्ड ट्रिकोमेट्रिक आइडेंटिटीज समझ गए। तो इसको जानने के पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें कि अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आसानी से आपको मिल सके। तो ध्यान देंगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग को जानना है? स्टैंडर्ड ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानक त्रिकोणमितीय सौर समीकरण। इसलिए ये हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर के लिए कुछ फॉर्मूला इसमें होगा, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पूरे ट्रिगो का इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले एक नंबर पॉइंट आता है एम एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। ये बात आप लोग भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। कैसे होता है? तो टी रेशियो में ऐसे समकोण त्रिभुज बनता है और ऐसे ऐसे हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो इसी में ये थीटा होता है, 90 डिग्री कोण होता है और यहाँ पे ए बी सी तीन पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। कैसे होता है, जिसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो हम लोग प्रूफ करेंगे तो क्या लेंगे, एलएचएस। एलएचएस में कितना आपके पास है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका एलएचएस है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला भरेंगे। तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच और इसका स्क्वायर, फिर प्लस इसका फॉर्मूला होता है बी बाई एच और इसका स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर और बाई में एच स्क्वायर, फिर ऐसे बी स्क्वायर बाई में एच स्क्वायर, फिर ऐसे लेंगे तो एच स्क्वायर ऊपर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ध्यान देंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही एच स्क्वायर होता है, तो नीचे की एच स्क्वायर हुआ तो कटेगा तो कितना आएगा, वन इक्वल टू आर एच एस। हम लोग का प्रूफ हो गया। यहाँ पे हम कैसे किए हैं, तो यहाँ पे ऐसे किए हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसी के आधार पर ये एच स्क्वायर हो गया। ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। इसीलिए यहाँ से हम लोग का तीन फॉर्मूला ओरिजिनेट हो जाएगा। तो हम लोग पहले देखते हैं कौन कौन फॉर्मूला ओरिजिनेट होगा। तो यहां से आप पहला फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर निकालने से, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये वाला उधर जाएगा तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी आपका फॉर्मूला है, ओके। उसके बाद हम लोग बी दूसरा फॉर्मूला यही से बन जाएगा, केवल साइन निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर ये उधर रूट में चलेगा तो रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर इसी से हम लोग कॉस स्क्वायर निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब ये वाला को हम लोग इधर भेजेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर यहां से चौथा फॉर्मूला बनेगा इसका, कॉस थीटा निकालिए आप तो ये रूट चल जाएगा तो रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला से चार फॉर्मूला यहाँ पे ओरिजिनेट हो गया। इसीलिए आप मेन ये याद रखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर ज्यादातर ये और ये फॉर्मूला यूज होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और चारों का चारों फर्स्ट फॉर्मूला का कंपोनेंट है या पार्ट है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा बी वाला फॉर्मूला जानते हैं। बी वाला फॉर्मूला आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये आपका बी वाला फॉर्मूला है। और इससे भी आपका चार फॉर्मूला ओरिजिनेट होगा। तो पहला फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें, तो पहला फॉर्मूला बनेगा ए में केवल सेक निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये वाला उधर जाएगा तो वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। फिर इससे एक और फॉर्मूला बनेगा, वनली सेक निकालिए तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा,
अब यहाँ से हम लोग का एक और फॉर्मूला बनेगा, कहाँ से, तो ये वाला को इधर भेजेंगे और ये वाला को इधर भेजेंगे, तो सी फॉर्मूला बनेगा आपका sec स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा और वन को इधर भेजेंगे तो प्लस में है तो माइनस में वन हो जाएगा, इक्वल टू टेन को उधर भेजेंगे तो कितना होगा टेन स्क्वायर थीटा। ये भी कह सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर टेन स्क्वायर थीटा, या आप ये भी कह सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, अब चौथा फॉर्मूला यहां से बन जाएगा, केवल टेन निकाल लीजिए तो रूट अंडर क्या होगा, रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा और माइनस वन, ये आपका चार फॉर्मूला यहाँ भी ओरिजिनेट हो गया। मेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन है, तो ये है sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, सिक्स sec स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसी से हम लोग का चार चार फॉर्मूला प्राप्त हुआ। और ज्यादा आप फॉर्मूला कौन यूज करेंगे, तो ये वाला यूज करेंगे और ज्यादा ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि यही ज्यादा क्वेश्चन में यूज होता है, इसको चाहे इसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, रूट वाला बहुत कम यूज होता है, परंतु जानकारी के लिए ये आपको याद रखना होगा। अब हम लोग तीसरा यानी सी वाला क्वेश्चन को देखते हैं। तो सी वाला क्या है, एक और रिलेशन है होगा सी में, तो सी में होगा आपका कॉट सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। ये आपका सी वाला पॉइंट है, क्या है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ठीक है, अब यहां से हम लोग को चार चार फॉर्मूला प्राप्त होगा। तो पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, तो पहला बनेगा ए में कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये वाला उधर जाएगा तो वन प्लस कितना होगा कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। फिर यहां से बी फॉर्मूला बनेगा कॉसिक थीटा इक्वल टू, तो ये स्क्वायर रूट चढ़ेगा तो रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, सी फॉर्मूला बनाएंगे, तो ये वाला को इधर भेजेंगे और ये वाला को इधर भेजेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, कॉसेक और स्क्वायर थीटा और माइनस में कर देंगे वन और इक्वल टू, ये माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको प्लट के लिख लेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, तो यहां से एक और फॉर्मूला बन जाएगा कॉट थीटा बराबर तो रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, ये हम लोग का चार चार फॉर्मूला तीनों में से प्राप्त हो गया। और इसी से आपका नेक्स्ट चैप्टर बनेगा और इसी से कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, और एक्सेप्शन वाला फॉर्मूला आप वीडियो में जानते हैं कौन, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हम चर्चा किए थे, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा और बाय में कितना साइन थीटा। ठीक है, ये हम लोग का इतना फॉर्मूला है अपने चैप्टर के लिए, इसमें ज्यादा सिद्ध करने वाला ही प्रूफ करने वाला ही क्वेश्चन रहता है। अब हम लोग कुछ स्पेशल जानते हैं कि साइन को कोस के फॉर्म में या कोस के पद में, सेक के पद में या सभी त्रिकोणमितीय पद में कैसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि टी रेशियो को अलग अलग फॉर्म में कैसे हम लोग व्यक्त करते हैं। तो यहाँ दिखा हुआ है के पदों में, तो यहाँ साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा आपका यहाँ पे है। अब हम लोग को देखना है साइन थीटा को साइन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यानी साइन के पद में कैसे लिख सकते हैं, साइन को ही कॉस के पद में कैसे लिख सकते हैं, कॉस को साइन को ही हम लोग टेन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, साइन को ही हम लोग कोट के रूप में कैसे लिख सकते हैं, और साइन को ही हम लोग सेक के रूप में कैसे लिख सकते हैं, फिर साइन को हम लोग कॉसेक के रूप में कैसे लिख सकते हैं। समझ गए, हालांकि ये सब जितने भी है रूप में लिखना सब फॉर्मूला ही है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए भी दे देता है, साइन थीटा बराबर कर देगा और बोलेगा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा बाय रूट अंडर वन माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्रूफ कर दे। समझ गए, तो आसानी से हो जाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं
साइन थीटा है, तो साइन थीटा को साइन के रूप में साइन थीटा ही लिखेंगे। साइन थीटा को कॉस के रूप में कैसे लिखेंगे, तो साइन थीटा को कॉस के रूप में रूट अंडर वन माइनस कॉस का फॉर्मूला, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला ही है। फिर साइन थीटा को टेन के रूप में कैसे लिखेंगे, तो टेन थीटा बाई रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर साइन को हम लोग कॉट के रूप में कैसे लिखेंगे, तो वन बाई रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर साइन को हम लोग सेक के रूप में कैसे लिखेंगे, तो सेक के रूप में लिखेंगे और रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बाई में सेक थीटा। और साइन को ही हम लोग कोसेक के रूप में कैसे लिखते हैं, तो वन बाई कोसेक थीटा, समझ गए। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि साइन का इन्वर्स कौन होता है, तो कोसेक, शुरू से हम चर्चा किए थे, इसीलिए अगर साइन का याद कर लिए तो कोसेक का भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि साइन का इन्वर्स कोसेक होता है ना जी। तो देखिए साइन को हम लोग साइन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो ये जितना भी है इसको उलट देंगे इसी को ना, तो ये कोसेक वाला फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कोसेक के रूप में। जैसे कोसेक थीटा बराबर, तो यहाँ क्या था, कोसेक थीटा को साइन के पद में कैसे लिखेंगे, तो इसी को उलट देंगे, तो उलटेंगे तो कितना आएगा, वन बाई साइन थीटा। फिर कोसेक थीटा और कॉस के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसी को उलटेंगे, तो वन बाई रूट अंडर वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर कोसेक थीटा को टेन के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसी को उलट देंगे, तो रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और बाई में टेन थीटा। फिर कोसेक थीटा को हम लोग कॉट के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसको उलटेंगे, तो रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार कोसेक थीटा को सेक के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसको उलट देंगे, तो सेक थीटा बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। फिर कोसेक थीटा को हम लोग कॉस के रूप में कैसे लिखेंगे, तो कोसेक थीटा ही रहेगा, कोसेक थीटा ही रहेगा, क्योंकि कोसेक थीटा कोसेक रूप में कॉस रहता है, समझ में आ गया। इसी तरह कॉस को हम लोग देख लेते हैं, कॉस को देखेंगे तो कॉस को साइन के रूप में कैसे लिखते हैं, तो रूट अंडर वन माइनस एन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस को हम लोग कॉस के रूप में कॉस लिखते हैं, कॉस को हम लोग टेन के रूप में वन बाई रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। कॉस को हम लोग कॉट के रूप में कैसे लिखते हैं, तो कॉट थीटा बाई रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस को हम लोग सेक के रूप में कैसे लिखेंगे, तो वन बाई सेक, और वन बाई सेक ही क्या कहलाता है, कॉस कहलाता है। फिर कॉस को हम लोग कोसेक के रूप में कैसे लिखेंगे, तो रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन और सबका बाई कोसेक थीटा। अब ध्यान देंगे कोसेक का उल्टा कौन होता है, तो सेक ना जी, तो सेक का फॉर्मूला उलट जाएगा, ये कोसेक है, कोस है, तो कोस का सेक, तो सेक वाला यहाँ आएगा। अब सेक को साइन के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसको उलट के लिख देंगे, नहीं समझे, तो देखिए ध्यान से, सेक है यहाँ पे, तो सेक थीटा को कैसे लिखेंगे, तो सेक थीटा को लिखेंगे, तो कॉस को कैसे लिखते थे, रूट अंडर वन माइनस एन स्क्वायर थीटा, इसको उल्टेंगे तो कितना लिखेंगे, वन बाई रूट अंडर वन माइनस एन स्क्वायर थीटा। फिर सेक को कॉस के पद में कैसे लिखेंगे, तो इसको उलटेंगे, तो वन बाई कॉस थीटा। फिर सेक को हम लोग टेन के पद में कैसे लिखेंगे, तो इसको उलटेंगे, तो उलटेंगे तो कितना आएगा, रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर सेक को हम लोग कॉट के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसको उलट देंगे, तो रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई कॉट थीटा। फिर सेक को हम लोग सेक के रूप में कैसे लिखेंगे, तो सेक ही लिखेंगे, और सेक के हम लोग कोसेक के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसको उलटेंगे, तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो क्या होगा, कॉस थीटा बाई रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। अब हम लोग को टैन वाला जानना है, तो टैन थीटा को साइन के रूप में कैसे लिखेंगे, तो साइन थीटा बाई रूट अंडर वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर टेन को कॉस के रूप में कैसे लिखेंगे, तो रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बाई कॉस थीटा। फिर टेन को टेन के रूप में टेन लिखाता है, टेन को कॉट के रूप में वन बाई कॉट लिखाता है, ठीक है। और टेन को सेक के रूप में रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिखाता है, ये फॉर्मूला है सब जान रहे हैं। टेन को कॉसेक के रूप में वन बाई रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिखाता है। अब जानते हैं टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसको उलटेंगे, ठीक है, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये होता है। तो देखिए कॉट को साइन के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसको उलट देंगे, तो रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बाई साइन थीटा।
क्योंकि इसी का ना उल्टा होता है कॉट। कॉट को कॉस के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको उलट देंगे, कॉस थीटा बाय रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉट को टेन के रूप में कैसे लिखेंगे, तो वन बाय टेन थीटा, क्योंकि इसी को उलटना है ना, इसके नीचे वन है तो उल्टेंगे तो वन बाय टेन थीटा। कॉट को कॉट के रूप में कैसे लिखेंगे, तो कॉट लिखेंगे, ठीक है। फिर कॉट को सेक के रूप में कैसे लिखेंगे, तो वन बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। फिर कॉट को कॉसेक के रूप में कैसे लिखेंगे, तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ऑलरेडी ये फॉर्मूला है, समझ गए, इसीलिए ये जितना है सब एक्चुअली फॉर्मूला ही है अलग अलग टी रेशियो के रूप में, समझ में आ गया।